शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैंने मेरे बाबा को याद ना किया। तो क्या आप मुझे बाबा के पास ले चलेंगे? मैं आ रहा हूँ बाबा, मैं आ रहा हूँ। इसकी गलती है। मेरे पानी पीने का प्याला लाने की जिम्मेदारी किसकी थी? जवाब दे भोरू। उस्ताद, मैंने तो जबुलानी को कहा था। मैंने मुन्नू को कहा था उस्ताद। माफ कर दीजिए उस्ताद। माफी तो बोझ दिल देते हैं, दिलावर सिर्फ सजा देता है। गलती तो बड़े बड़ों से हो जाती है और फिर ये तो बच्चा है। बच्चों के साथ इतनी सख्ती से पेश आना, उन्हें इस तरीके की सजा देना, उनके आत्मविश्वास, उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है, उन्हें कमजोर बनाता है। आपको पानी ही पीना है ना? तो ये लीजिए, आप इससे पानी पी सकते हैं। लीजिए। दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर दिलावर को अच्छा नहीं लगा तो बहुत बुरा होगा। शक्ल से तू भिखारी लगता, जीते जी मर जाएगा यह दिलावर, लेकिन तेरे इस कटोरे से पानी नहीं पिएगा। चलो। राम जी भला करे। क्या किया था उन्होंने? वो मुझे मारना चाहता था। और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया? वो लोग केवल चार थे और तुम लोग इतने सारे। उन लोगों को पाठ पढ़ाने की जगह पीठ उठाकर भागे। एक दिन मैं देर से आई तो क्या कोई भी अजनबी आदमी तुम्हें डरा धमका देगा? जिपरी वो बहुत खतरनाक आदमी है,
उसके चेले ने मुझे छोड़ दिया तो उसने अपने चेले को गले से पकड़कर हवा में लटका दिया। वो बहुत डरावना है। उसका एक आदमी धुआं करता है और पता है वो मुझे गन्ने से मारने वाला था। वो आदमी के वेश में राक्षस है राक्षस। इतना भी डरावना नहीं है। उसके हाथ में एक मोरचाल भी था ना? हाँ था, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो देखो। इसे सिखाना होगा कि बच्चों से कैसे बर्ताव करते हैं। नहीं जबरी, वो बहुत खतरनाक है। जबरी वो देखो, वो लोग द्वारका में की तरफ जा रहे हैं। मालूम होता है कोई यहां रहता है। खैर, उससे तो हम बाद में निपटेंगे, पर यह जगह रहने के लिए बहुत ही मुनासिब है। बड़ी भी है और हवादार भी। उस्ताद, आपका हुक्म हो तो हम इससे बेहतर जगह ढूंढ सकते हैं। नहीं, यही जगह माकूल है। जी उस्ताद। क्या लोग द्वारका में रहने की योजना बना रहे? और क्या इन्हें साई का सामान नहीं दिखाई दे रहा? हुआ, तुम लोग उसे डरकर भाग सकते हो, लेकिन मैं नहीं। जिब्री रुक, तू जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है उन्हें वहां से भगाना। जिब्री, हमें बड़े लोगों को खबर देनी होगी। हमें बच्चे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे इनका। बात तो सही कह रहे हो तुम। चलो जल्दी से जाके सबको बताते हैं। से ये जगह दिलावर की हुई। अरे ऐसे कैसे उनकी जगह हो जाएगी? हाँ, हम सब जानते हैं कि वो द्वारका माई साई की है। वही तो, बहुत बदतमीज है वो लोग। और तो और, उन्होंने बबलू की पिटाई करने की कोशिश की। हम सबको मिलकर उन्हें वहाँ से हटाना चाहिए, नहीं तो वो सब साई का अपमान भी कर देंगे। हाँ हाँ, द्वारका माई में साई के अलावा और कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता। चलो। चांद भाई, ओ चांद भाई, कौन? चांद भाई, मैं सखाराम। अरे सखाराम, आओ भाई आओ। कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? नहीं चांद भाई, कुछ भी खैरियत नहीं है। क्यों, क्या हुआ?
चांद भाई, मैं 2 दिन के लिए गांव से बाहर गया था। जब लौटा तब पता चला जैसे आपकी बिजली खो गई थी वैसे ही मेरा सरजा खो गया है। आप तो जानते हैं सरजा मेरे परिवार के सदस्य की तरह था, जैसे आपके लिए बिजली उसी तरह मेरे लिए सरजा। अपने घर वालों से पूछा, क्या कहा उन्होंने, कहीं किसी ने चोरी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं चांद भाई, अगर किसी को चुराना होता तो दोनों बैल चुराता, जबकि उसका जोड़ीदार बैल है ना वही खूंटी पर बंधा है, जबकि वो हट्टा कट्टा ताकतवर है। मुझे विश्वास है कि वो कहीं खो गया है, न जाने वो कहाँ होगा, कैसे होगा, उसने खाया पिया भी होगा कि नहीं। आप ही बताइए चांद भाई, मैं उसे कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं? अब तो तुम्हारे सरजा को सिर्फ वही ढूंढ सकते हैं, बाबा। इतने दिनों से उसे ढूंढते ढूंढते थक नहीं गए जी? बिजली पानी पियोगे? हाँ बाबा। पियो ना। मेरी घोड़ी तो सही सलामत है ना? अज्ञान तिमिर से घिरा है ज्योति शुभम। बिजली 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 बिजली। आपसे बिछड़ने का दुख तो बहुत है बाबा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है एक ना एक दिन आपसे मुलाकात जरूर होगी। जब तक आपसे मुलाकात नहीं होती ना बाबा, तब तक मैं आपके इस चरणों की धूल को सहज कर अपने पास रखूंगा। आज भी रोजाना बाबा के इस चरणों की धूल का सजदा करता हूं। सखाराम, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैंने मेरे बाबा को याद ना किया। ये परवरदिगार का करम था कि उस दिन मेरी बाबा से मुलाकात हुई। लेकिन उस दिन के बाद से आप बाबा से कभी मिले नहीं और उनसे मिलने भी नहीं गए? नहीं, कभी संयोग ही नहीं बना। ऊपर से कमबख्त ये नजरें भी कमजोर हो गई हैं, कहीं अकेले आ जा ना सका कि वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। बस यूं समझ लो, जिस दिन वक्त आएगा बाबा का बुलावा आएगा, हो जाएंगे उनके भी दीदार। लेकिन अब वो बाबा है कहाँ? मेरा दिल कहता है बाबा अभी शिरडी में ही होंगे। तो क्या आप मुझे बाबा के पास ले चलेंगे? आप जरूर जरूर है मेरे परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। परसों से जिस दिन का इंतजार था आज वो दिन आ ही गया। सकाराम, शायद तुम्हारे जरिए बाबा से मुलाकात होगी। अब यकीनन बाबा के मार्फत ही तुम्हें तुम्हारा सरजा मिलेगा। मैं आ रहा हूं बाबा, मैं आ रहा हूं। उस्ताद, उस्ताद, हम यहां रहने तो लगे हैं लेकिन जो यहां पहले से रहता है उसका क्या? अगर वो अक्लमंद हुआ तो हमें देखने के बाद यहां दाखिल होने की भूल नहीं करेगा। We'll be right back.
इन्होंने साई का सामान एक कोने में रख दिया है। कौन हो तुम और किससे पूछकर तुमने साई का सामान हटा दिया? दिलावर किसी के इजाजत का मोहताज नहीं है। ये जगह अच्छी लगी तो ले ली। ना मैं किसी साई को जानता हूं और ना मुझे उसकी फिक्र है। तुम साई को नहीं जानते? सुना, इसे तो साई के बारे में पता ही नहीं है। पता होता तो ऐसे नहीं कहता। ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं। सिरडी में आए हो और साई को नहीं जानते? हो कौन तुम? दिलावर अली। दिलावर अली हूं मैं और आज से ये जगह मेरी है। और रही बात तुम्हारे उस साई की, तो वो यहां इस कोने में रह सकता है। अगर मेरे रास्ते में नहीं आएगा तो मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। तुम लोग सब खड़े खड़े यहां अपना वक्त बर्बाद मत करो, चले जाओ। इस जगह से तुम जाओगे, हम नहीं। गुस्ताख, दिलावर को कोई ललकारता नहीं, क्योंकि दिलावर किसी से हारता नहीं। अगर मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आया तो कोई भी अपने पैरों से सही सलामत अपने घर नहीं जा पाएगा। जा यहां से। मन्नू, तुम्हारी गीदड़ धमकी से हम नहीं डरने वाले। हमसे लड़ोगे तो हम सब बड़ी आसानी से तुम्हें हरा देंगे। मुझे मत मारिए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो से। क्यों, तरस आ रहा है इस पे? हम तुम जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं है। रुको, मत मारो उसे। अगर तुम चाहते हो, तुम सब चाहते हो कि दिलावर इसे न मारे, तो चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना दिलावर का कहर इस पे तब तक टूटता रहेगा जब तक ये मर नहीं जाता। और अगर ये मर गया तो फिर दिलावर इसे मारना शुरू करेगा। अरे छोड़ो उसे। तो फिर जाओ यहां से। तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये जगह साई की है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जाओ यहां से। बहस मत करो, जाओ यहां से। रुको, साईं। देखिए साई, इन लोगों ने द्वारका माई में जबरदस्ती अपना डेरा जमा लिया है। साई, हमने इन्हें जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहे, उल्टा हमें ही यहां से जाने के लिए कह रहे।
पंता जी, ये खंडर के अंदर इतनी भीड़ क्यों जमा है? यही रुकिए, कुछ देर में सब पता चलेगा। तो ये है तुम्हारा साईं? तो तुम इस फकीर के लिए अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ हो हल्ला मचा रहे हो? वाकई तरस आता है तुम लोगों पे। साईं, इसे कहिए यहां से चला जाए। अपने सामान के साथ वहां पड़ा रह सकता है, लेकिन एक बात बखूबी याद रहे, दिलावर के मामले में दखल दोगे तो दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा, और जब दिलावर को अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत बुरा होगा। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप इस बच्चे को मत मारिए। तो फिर फौरन इन सबको यहां से जाने के लिए बोलो। देखिए, मैं जानता हूं कि आप सबको मेरी चिंता है और इसीलिए आप सब यहां आए हैं। इस प्रेम के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, लेकिन इस बच्चे की खातिर आप लोग यहां से चले जाइए। बच्चों, तुम सब भी अपने अपने घर जाओ। जाओ लक्ष्मी। जी, इसकी किस्मत अच्छी है कि कुलकर्णी सरकार शिरडी में नहीं है, वरना यहां उसे घुसने नहीं देते। उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है कि शिरडी में उनके अलावा कोई दूसरा आदेश दे। यहां से निकलिए अंता जी, कहीं ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। चलिए। जा और जाके वहां बैठ जा। वक्त पड़ने पर तो घर वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं, कोई किसी की मदद करने नहीं आता। मेरे बाबा आते हैं। अच्छा, मान लो तुम इस टीले से कूद गए तो क्या तुम्हें बचाने तुम्हारा वो बाबा आएगा? आज आजमा ही लेते हैं कि मेरा यकीन कितना पक्का है।